हेलो गाइस, मैं आदि श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल आरु एंजल व्लॉग्स में। गाइस देखिए, ये पोर्टल का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी इसकी, और बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है गाइस। और देखिए गाइस, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारे घर सामने बहुत ही अच्छी सोनी सोनी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे आंगन में नीम के पेड़ हैं। ये देखिए गाइस किस तरह से हवा में लहरा रहे हैं, हिल रहे हैं। और ये मेरी फुलवारी रात की रानी, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जैसे फूल आ रहे हैं गाइस। एंजल अभी तक सो रही है गाइस, और ये आरू उठ गई है। यहाँ ये आरू की आंख में शायद इसकी उंगली लग गई है, और ये मुझे बोल रही है। मैंने इसको बस थोड़ा सा ऐसे सिकाई कर देते हैं बस, तो थोड़ा आराम मिल जाता है और इसको अच्छा लगता है। ये खुद बोलती है, एंजल उठ जाओ बेटा, एंजल उठो, बोलो बेटा रात हो, उठाओ इसको। आज हम करेले की सब्जी बनाने वाले हैं गाइस। ये देखिए करेले, और मैंने इनको बीच में से कट कर लिया है और उनके अंदर से कुछ बीज निकाल लिए हैं। हम करेले गाइस भरकर बनाने वाले हैं। ये करेले हम कल लाए थे, इसमें से कुछ ख़राब हो गए थे। ये बीज हैं गाइस, और ये प्याज हम इनको कट करेंगे। ये हरी मिर्च है, और ये लहसुन, इन सभी का हम इन्हें भूनने के लिए मसाला बनाएंगे। और ये देखिए गाइस, मैं आज करेले उबाल कर बनाने वाली हूँ। ये मेरी सासू माँ का स्टाइल है, करेले उबाल करके बनाती हूँ। और यहाँ मैंने ये प्याज कट कर ली है। बस अब हम प्याज को और इसको करेले के बीज लहसुन और हरी मिर्च सभी को, मेरे पास का चिली कटर है, हम अपना सारा मसाला ये मिर्च प्याज वगैरह सब किसी से कट कर लेंगे गाइस। ये चिली कटर है मेरे पास, और ये देखिए बीज मैंने इसे कट कर लिया है करेले को, और अभी हम प्याज कट कर रहे हैं गाइस इस तरह से। और ये बस हमारी प्याज कट हो जाएगी, फिर हम इसको उधर हमारे करेले हैं वो भी उबल चुके हैं, अभी हम उनको निकालने वाले हैं गाइस। और ये देखिए मैंने करेले को जो भी करेले को निकाल लिया है, क्योंकि जो हमारा मसाला है ऑलमोस्ट तैयार का। ये देखिए मसाला, और मैंने इस मसाले में आम का अचार डालते हैं ना, आम के अचार का मसाला मिक्स किया है। हल्दी, मिर्च, नमक और सौंफ ये सभी ऐड इसमें किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आमचूर इसको अच्छे से मिक्स करके गाइस हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी, और इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें ऑयल भी गर्म हो चुका है गाइस। और बस अभी इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे, और हम इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लेंगे गाइस। गाइस आपको हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरू एंजल व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, यदि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी भरवा करेले की सब्ज़ी कैसी लगी। गाइस ये देखिए हम अपना मसाला कढ़ाई में भून रहे हैं, और हम इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे गाइस, इससे सारा जो कच्चा मसाला है अच्छे से पक जाएगा। और अभी हमने कढ़ाई फिर से गाइस मैंने वही कढ़ाई ली है, और ये जितने भी पका हुआ मसाला है जो हमने भूना था, इसको मैंने करेलों में भर दिया है। बस अब हम इन करेलों को फ्राई करेंगे। फिर से ऑयल हमने चढ़ाया, गर्म हो चुका, अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं करेले। और करेले फ्राई करके गाइस खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए आलू, पराठे, दही और करेले की सब्ज़ी। गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ ये आरू को करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो आरू रो रही है। ये देखिए